अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले एक वाकया हुआ था जेलम में। एक देवबंदी मौलवी था जिसने अली भाई के एक स्टूडेंट जो थे, बहुत पुराने स्टूडेंट्स में थे, उनके जो बेटा था ना, उसने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की थी, तो उसमें वो पकड़ा गया। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज उसकी कह लें कि उसको कैफर किरदार तक पहुँचा दिया गया है। अदालत ने उसके खिलाफ़ फ़ैसला दे दिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, तो खास तौर पे क्योंकि इन मुफ्तियों के पास तो यही हरबा था बच्चों के साथ। जब भी बच्चों को हम मदरसे में डालते हैं, बल्कि इवन मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ, मैंने अक्सर बयान किया है कि मैं मदरसे से, मुझे बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा गया था, जिसकी वजह से मैंने मदरसा छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को सुधारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वहाँ के माहौल, मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ दो महीने मदरसे में गया हूँ, और गया भी देवबंद के मदरसे में था। इस ज़ात की गंदगी और गलाजत मैंने देखी है ना वहाँ पे, मैं आपको नहीं बता सकता। ये केला देवबंद में नहीं है, ये बरेलवी में भी है, ये अहले हदीस में भी है, ठीक है, लेकिन फ़र्क है। मैंने देवबंद में माजरत के साथ बहुत ज़्यादा ये काम देखा है मदरसों में, ठीक है। और मेरे पास, आप यकीन करें कि विक्टम्स मौजूद हैं, मेरे पास अपने करीबी, बहुत करीबी लोग हैं जो विक्टम हैं इस सारी गलाजत के, जिनके साथ ये मामला हो चुके हैं, जिनके वालदैन शरीफ़ुन्नफ्स इंसान हैं, और वो लोग इसको अदालत तक लेके जाने, वो बल्कि बात नहीं बाहर निकालने को तैयार, निकाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग इस टाइम पे, मतलब वो यही तो हमारे में खराबी है, वो कहते हैं नहीं हम शरीफ हैं, और हमारे जनाब साहब, हम बाहर आवाज़ निकालेंगे तो हमारी बदनामी होगी। यार खे बना बदनामी है यार, तुम लोगों की वजह से, सिर्फ इन लोगों की वजह से ये लोग और ज़्यादा बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। इन जैसे माँ बापों की वजह से ना ये लोग और हरकतें करते हैं इस तरीके की। मैं आपको बताऊँ, मैं जब उस मदरसे में गया था ना, तो मेरा जो बड़ा भाई था ना, वो भी उस मदरसे में पढ़ता था। हमारा ये बेनिफिट था कि हम डेली आना जाना, मतलब हमारे घर के करीब ही था मदरसा, तो हम जाते थे और कुछ, मतलब क्लास ख़त्म हुई और वापस घर आ जाना था, हम वहाँ पर रुकते नहीं थे। लेकिन जो वहाँ पर रुके होते बच्चे थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह के काम होते थे मोस्टली, ठीक है। और मेरे भाई ने इन मामलों को देखा हुआ था कि वहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था ना, उसने, आप समझ लें, पहले बरेलवियों की मस्जिद में 10 सपारे हिफ्ज़ किए थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो तलफ़ था इतना अच्छा नहीं था, तो इधर फिर देवबंद के मदरसे में उसको दाखिल करवाया गया। तो वहाँ पर हमारा, क्योंकि आना जाना डेली बेसिस पर था, डेली क्लासेस बेसिस पर था, कि जिस तरह क्लास शुरू हुई तो उस टाइम पर चले गए, और क्लास खत्म हुई तो वापस आ गए, वहाँ पर रुकने का कोई जवाब नहीं था बनता, ठीक है। और अबू ने भी इस चीज़ों से हमें बड़ा सख्ती से किया हुआ था मेनटेन, के भी वहाँ पर रुकना नहीं है किसी के पास, और पर्सनली इनके कमरों में तो जाना ही नहीं ना, इनके तो, इन्होंने जो कमरे बनाए होते हैं ना मस्जिदों में, इधर मदरसों में, सर मैंने वो देखे जरूर हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ अकेले में वक्त नहीं गुजरने का मौका मिला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बचा के रखे इन जैसे शर पसंदों से। तो वो उस टाइम पे मेरे भाई ने मुझे कहा कि किसी दाढ़ी वाले से तुमने सलाम नहीं लेनी, किसी भी दाढ़ी वाले से सलाम नहीं लेनी, क्योंकि उसको पता था, वो मेरे से तो मैच्योर था, तो उसने मुझे कहा किसी दाढ़ी वाले से तुमने सलाम नहीं लेनी। क्यों कहा था? इसी वजह से कहा था कि यहाँ पे दाढ़ी वाले जो उनसे ना, जो बड़े बड़े सुंदर सजाई होती चेहरों पे, और वही ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। तो खैर, इस बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल की कैद और 6 लाख रुपया इसको जुर्माना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बंदे की वीडियोज़ देखें, इसकी मसाल अटैच कर दूँगा, जो पुरानी वीडियोज़ हैं, ठीक है, कुछ न्यूज़ वगैरह की वीडियोज़ हैं, और FIR भी उस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी। तो मज़ीद जब इसकी जो अदालत की तरफ से जो सज़ा सुनाई गई है ना, वो जैसे ही आती है ना इंशाल्लाह, वो भी मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगा, और अली भाई भी इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें रिकॉर्ड करवा देंगे संडे वाले दिन अपना जो मौक़िफ़ है। तो ये हमारे लिए बड़ी खबर है, ठीक है। बाकी यार उस बच्चे की इज्जत, और मैं बताऊं आपको कि सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा ये साथ जुड़ जाता है, और ये लोग बाज नहीं आते, वो हमारे उन माँ बाप की तरह, जो माँ बाप इस तरह के लोगों को माफ़ कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, ये कह के कि यार हम लोग शरीफ हैं और हम आवाज़ बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, और हमारा माशरा भी इतना गंदा है कि विक्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है, विक्टम को छेड़ना शुरू कर देते हैं, विक्टम को सारी ज़िंदगी ब्लेम करते हैं। यार विक्टम का क्या कसूर है यार? विक्टम तो वो बेचारा खुद सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा उसके साथ जुड़ जाता है, वो तो सारी ज़िंदगी उसने, मतलब लेके चलना होता है उस चीज़ को। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुदकुशी करने तक चले जाते हैं जब किसी के साथ इस तरह का मामला होता है। तो इन लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है, और मेंबरों पे, और कभी मेंबरों के नीचे, कभी वो जनाब साहब, वो जो जनादे वाली होती है फट्टा, उसके ऊपर माज़ल्ला अस्तगफुरुल्लाह, ये इस तरह के काम करने तक चले जाते हैं। इन लोगों के अंदर से खुदा का खौफ बिल्कुल ही निकल चुका है। मैंने कई वीडियोज़ ट्विटर पर ऐसी देखी हैं जो कि कुरान हाथ में पकड़ा और बदफेली करने कर रहा है बच्चे के साथ। यार कमीने लोग हैं यार ये लोग, अल्लाह बचाए इनसे। ये बाकी वीडियोस वगैरह साथ देख लें। जज़ाकअल्लाहु खैरा वासनल जज़ा। जेलम रेलवे कॉलोनी शीशा ग्राउंड के करीब मदरसे के मुअल्लिम ने मदरसे के तालिब इल्म के साथ ज़्यादती की कोशिश की। कारी गनी शाह ने 11 साल लड़के को मदरसे की बालाई मंजिल पर ले गया और मदरसे के बच्चे को बरहना करके नाज़ेबा हरकत शुरू कर दी। तालिब इल्म ने शोर मचाया और मज़ाहमत करके भाग के घर आ गया, और उसने इस वाक़े की इत्तला अपने वालदैन को दी। बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलज़िम गनी शाह को गिरफ्तार कर लिया।
जबकि मुलजिम गनी शाह ने इकरार जुर्म करते हुए मुआफ़ी की दरख्वास्त की। थाना सिटी ने मुलजम